बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब हम सुबह उठे तो हमारे नल का प्रेशर बहुत ही कम आ रहा था। हमने देखा टंकी भी फुल भरी हुई थी, तो जब हम छत पे गए देखा कि एस्पा पंप जो हमने प्रेशर बढ़ाने के लिए लगाया हुआ है उसका प्रेशर ज़ीरो शो हो रहा है। इसका मतलब है कि एस्पा नीचे नल के अंदर प्रेशर नहीं दे रहा। तो जब हमने इसको ये रीसेट वाले बटन से रीसेट किया तो ये नहीं चला। इसका मतलब यह है कि आपके एस्पा पंप में मसला हो गया। तो अब हम व्यूवर्स इसको खोल के देखते हैं क्या इशू है जिसकी वजह से ये प्रेशर नहीं दे रहा, मोटर ख़राब हो गई है या इसका ये एक सर्किट होता है, इसको प्रेशर सर्किट कहते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है जिसके साथ ये गेज लगी हुई है जिस जो प्रेशर बताती है, इसको प्रेशर सर्किट कहते हैं। तो अभी हम अगर चेक करते हैं, इसको खोलने का तरीका है कि ये वाली बार आप नीचे पहले नीचे से खोल लेंगे, ये बाहर आ जाएंगी, फिर यहाँ पे चार बोल्ट लगे होंगे, इसको खोल लें, फिर ये वाली डिबिया आपने आहिस्ता से पीछे हटा देनी है। पीछे हटाने के बाद नीचे ये सर्किट एक आ जाएगा, इसको भी खोलने के लिए ये दो नट्स लगे हुए हैं, इसको भी आपने आसा आसा नट्स को भी खोल लेना है। तो हम आपके सामने इसको खोलते हैं और ये ढीला हो गया, ये आसानी बाहर निकला है। तो ये देखें सर्किट आप हमारे सामने है, सर्किट को देखें तो ये रिले जल गई है, ब्लैक हो गई है रिले। अगर आपको कैमरे में नज़र आ रही है तो ये देखिएगा, ये जो प्रेशर सर्किट की किट होती है ना साथ, इसके दो हिस्से होते हैं, एक जो प्रेशर बताता है और दूसरा जो इसको कंट्रोल करती है पानी को, जो प्रेशर को सेंस करके बताती है नीचे नल को के कितना प्रेशर अब आ रहा है। तो ये देखिएगा इसकी ये रिले ख़राब है, तो हम इसको चेंज करेंगे और फिर चेक करते हैं क्या आया हमारी मोटर सही काम करेगी, कर रही है या नहीं। तो अभी हम इसको चेंज करने लगे हैं, इसका ये सर्किट बाज़ार से बआसानी दस्तयाब होता है। अगर आपने ख़ुद इसको चेंज करना है तो इसके ये जो कनेक्शन की पिक्चर है ये आपने उतार लेनी है या वीडियो बना लेनी है और अपने पास महफूज रखना है, ताकि जहाँ जहाँ से जो सी तार आप उतारें वहाँ पे ही दोबारा इसको फिट कीजिएगा। तो हम इसको चेंज करने लगे हैं। ये देखिएगा मैं बाज़ार से अभी लेके आया हूँ एस्पा कंपनी का, सर्किट नया, ये पुराना लगा हुआ है ये नया है। अभी मैं इसको चेंज करने लगा हूँ तो देखते हैं कि हमारी मोटर ऑन होती है या नहीं। ये देखिए इसके रिले बिल्कुल ठीक है, ब्लैक नहीं हुई हुई, इसके रिले बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, मैंने पुराने वाला उतार लिया और नए का कनेक्शन कर दी। अगर आप घर में ख़ुद लगाना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी कनेक्शन कर सकते हैं, आपके इलेक्ट्रिशियन के पैसे बच जाएंगे। एक तार जो नीचे से आ रही है उसको चेक करना, उसको यू पे लगाना है, दूसरी को नीचे वोल्टेज पे लगा देना। ऐसे यहाँ पे एक लाइन है और फेस बता रहे हैं, एक आपने ऊपर लाइन पर लगा देनी है। 220 हमारी वोल्टेज होती है, क्योंकि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 220 होती है, इसलिए मैंने एक लाइन फेस पे लगा दी इधर से जो मेन आ रही है, और एक न्यूट्रल पे लगा दी, और ये एक मोटर को जाने वाली यू पे लगा दी और एक वी पे लगा दी। तो अभी हम इसको फिक्स करेंगे और देखते हैं कि हमारा सर्किट ऑन होता है या नहीं। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने नया सर्किट इस पर इंस्टॉल कर दिया है, पुराना सर्किट ये मेरे हाथ में है जिसके रिले बिल्कुल ख़राब है। तो अभी मैं इसको कम्प्लीट बंद करके फिर चेक करता हूँ। ये मैंने अभी थोड़ा सा ऑन किया था तो इसका प्रेशर आ गया, तो इसको मैं कंप्लीट और बंद करके फिर आपको चकराता हूँ। तो ये किट मुकम्मल इंस्टॉल करने के बाद जब इसको करंट मैंने दिया तो ये बिल्कुल, ये देखिएगा इसका बिल्कुल प्रेशर बन रहा है और ये बिल्कुल आपको मोटर की आवाज़ भी आ रही होगी। अब नीचे जाके हम प्रेशर भी देखेंगे कि हमारे नल में प्रेशर ठीक हो गया है या नहीं।
तो व्यूअर्स देखिएगा जो ये नल पहले कम पानी दे रहा था, अब जैसे ही मोटर को मैंने हमारे इंस्टॉल हो गई ऐसा 500 मिनट चेंज कर दिया सर्किट, तो देखिए इसका प्रेशर माशाल्लाह कितना हो गया, तो हमारे नल में पानी अब तेज़ आ रहा है। इस नल का भी प्रेशर चेक करते हैं जो पहले कम आ रहा था, आप देखें इसकी आवाज़ और इसका प्रेशर चेक करें। वाह कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो ऐसे ही अगर आपके घर में पानी का मसला है, प्रेशर कम आ रहा है, आपने एक्स्ट्रा पंप ऊपर लगाया हुआ है, तो आपने उसको चेक करना है। अगर उसका कोई सर्किट ख़राब है तो प्लम्बर वगैरह को बुलाने के बजाय पहले आप उसको अच्छी तरह चेक कर लें और उस सर्किट को खुद चेंज कर लें। इस नल का भी प्रेशर देखें, बहुत तेज़ हो गया, यानी कि पूरे घर का प्रेशर का मसला हल हो गया। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें।